ग्रेवी वाली अरबी बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले अरबी को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। तो एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे, उसके बाद अरबी को उसमें 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लेंगे। अरबी यहाँ पर उबल चुकी हैं, अरबी से इनका पानी अलग कर लेंगे। अरबी को ठंडा होने के बाद हम इन्हें छील लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है और तेल गरम हो जाने के बाद सारे अरबी के टुकड़ों को लाइट फ्राई कर लेंगे। अरबी को हल्का फ्राई करने के बाद अरबी के पीसेस को तेल से बाहर निकाल लेंगे और उसी तेल में यहाँ पर 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 2 चुटकी हम इसमें हींग का पाउडर डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे तेल के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और पानी डालकर धीरे धीरे भूनेंगे। मसाला भुन जाने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च काट कर डाल दिए हैं और 2 से 3 मिनट टमाटर को पकने के बाद टमाटर को चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर देंगे। मसाला अच्छे से पक जाने के बाद फ्राई किए हुए अरबी के पीसेस इसमें डाल देंगे। अरबी हमने उबाला है उसके बाद फ्राई किया, तो अरबी पहले से ही पक चुकी हैं, सिर्फ हम मसाले के साथ इसे 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। अरबी को गाढ़ा या पतला रखने के लिए आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अरबी बनकर तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। और आप भी अपने घर में अरबी की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपकी अरबी की सब्ज़ी कैसी बनी।